सबसे पहले आपको दिखाते हैं मुरादाबाद का वोट मैप। मुरादाबाद पीतल नगरी मुरादाबाद में विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिनमें साल 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में 4 सीटें एसपी ने जीती थी, तो एक एक सीट बीजेपी और पीस पार्टी को मिली थी। सीटों के हिसाब से जिक्र करें तो मुरादाबाद देहात शहर कुंदरकी और बिलारी सीट पर एसपी को जीत हासिल हुई थी। ठाकुर द्वारा सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि काठ सीट पर पीस पार्टी विजयी हुई थी। अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद की सियासत का संक्षिप्त सा विश्लेषण। पीतल नगरी के रूप में मशहूर इस जिले की अपनी बुनियादी समस्याएं हैं। मौजूदा वक्त की राजनीति में नोटबंदी की घटना के बाद से मुरादाबाद में अलग अलग तरह की राय शुमारी बन रही है, क्योंकि जहां एक वर्ग नोटबंदी की वजह से परेशान रहा है, वहीं दूसरा वर्ग भ्रष्टाचारियों पर नकेल से खुश दिखाई देता है। इन सब बातों से इतर विधानसभा चुनाव में विकास और स्थानीय समस्याओं के मसले हमेशा से जातीय समीकरणों के बीच दबते रहे हैं। साल 2007 के चुनावों की बात करें तो एसपी बीएसपी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी थी, जबकि साल 2012 के चुनाव में समीकरणों में भारी फेरबदल देखा गया। इन चुनावों में एसपी ने 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एक एक सीट बीजेपी और पीस पार्टी को हासिल हुई थी। वैसे जिले की संसदीय सीट बीजेपी के पास होने की वजह से यहां एसपी की राहें आसान नहीं है, लेकिन साइकिल को मिला कांग्रेस का साथ एक बार फिर कुछ नया कर सकता है। मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश और अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और आइए अब आपको दिखाते हैं मुरादाबाद से वोटर पंच। इस पूरे डिबेट में जिसका नाम है वोटर पंच, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुरादाबाद से, और पब्लिक के सवालों को झेलने के लिए हमारे साथ हैं आजम अंसारी कांग्रेस से, असद कमाल साहब एसपी से, और हमारे साथ गोपाल अंजान बीजेपी से, और विवेक शर्मा बीएसपी से हैं। और सवालों की शुरुआत मैं करूं तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे को यह मौका दूंगा कि 6 सीटें उन्होंने जीती, क्या इस बार पारिवारिक जो ये जंग हुई है, जो कहते हैं लोग एक ड्रामा है, बेटे को एस्टेब्लिश करने के लिए पिता ने सबको धोबी पाट मार दिया, क्या इससे नुकसान हुआ है? जो 2.5 महीने की जंग चली, जो आखिर में विकास कार्य होने चाहिए थे, उसमें कुछ चूक गया आपसे? ऐसा है, इसमें ना तो कोई ड्रामा चला ना कुछ हुआ, 6 सीटें फिर हम जीतेंगे। समाजवादी ने जितना विकास और जितना कार्य यहाँ पे किया है उत्तर प्रदेश में, किसी सरकार ने इतना विकास और कितना काम नहीं किया। लैपटॉप दिए, मेट्रो चलाई, लाइट की व्यवस्था। मेट्रो तो लखनऊ में चलाई, मुरादाबाद की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद की बात यह है, मुरादाबाद को लाइट बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी करी, सारे काम बहुत अच्छे करे। जो पिता अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को ऐसे स्थान पर झकझोर दिया जहाँ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ भी हो सकता था, परंतु ये जो सपा के लोग और कांग्रेस के लोग 6-6 विधायक जीतने के बाद मेरे मुरादाबाद को जो बेहाल किया है, बेदम किया है, मेरे मुरादाबाद को पूरी तरीके तोड़ के रख दिया है, इन्होंने अपने कांग्रेस सपा और कांग्रेस ने सबका जवाब दूंगा, सबका जवाब देंगे। लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के पास भी आ जाऊं सर, आप लोग तो कल तक इन्होंने टिकट घोषित किए हैं, आपके टिकट आज तक नहीं है। एक ही पार्टी है जिसने सबसे पहले 403 उम्मीदवार उतार दिए हैं, बहुजन समाज पार्टी को इस पूरी लड़ाई में मुरादाबाद के विकास में कहां खड़ा पाते हैं आप? मुरादाबाद का विकास जो बहुजन समाज पार्टी के सरकार के चलते हुआ, वो अब तक नहीं हुआ। पिछले आप 5 साल में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार है, 2 साल पहले
केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे पूर्व में यहाँ पर जो नगर निगम में मेयर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जो सांसद बने हैं 2 साल पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी के सवेश सिंह जी हैं। विकास के नाम पर दोनों ही सुन रहे हैं। गोपाल जी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सापा पे, कांग्रेस पे, बीएसपी पे जो प्रहार कर रहे हैं, 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया सवाए विदेशों में घूमने के और 20-20 लाख के सूट पहनने के? एक जनता को कुछ नहीं दिया, और आन के इसी जनता को बोले थे कि स्विट्जरलैंड से मैं नोटबंदी बंद करूंगा, स्विट्जरलैंड से पैसा लाऊंगा, वहां से तो वो ला नहीं सके, उनकी ताकत नहीं है। मनी की बात कर रहे हैं, मैं पब्लिक से पूछ लूं, अभी आपको ही बहुत टाइम दूंगा मैं, ये बच्चे हैं मेरे साथ, स्टूडेंट हैं, आप लोगों के सवाल हैं कुछ, किससे हैं, नाम बताइए अपना। मेरा नाम समरीन है। समरीन सवाल पूछो। मैं फाइन इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, एमएच डिग्री कॉलेज, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने जो काम भी किया है आज तक वो बहुत अच्छा किया है। सारे स्टूडेंट जितने भी 12th किया है वो स्टूडेंट है, सबको लैपटॉप दिया, यहाँ तक कि मुझे भी दिया है, और यहाँ तक कि मेरी एज 30 इयर्स नहीं है, और मेरी समाजवादी पेंशन योजना भी, समाजवादी पेंशन भी आई है, काफी समय तक आई है, और काफी लोगों को घर भी दिए हैं। जो भी काम किया है आज तक नरेंद्र मोदी जी ने बहुत खराब किया है, सारे लोगों को परेशान कर दिया है, और क्या क्या हल निकला है इसमें? पैसा बंद किया, 50 दिन का टाइम दिया, दिन पे दिन बढ़ाए जा रहे हैं टाइम, अभी तक कोई हल नहीं लग रहा, और जिन लोगों पर ब्लैक मनी है। कितने लोगों की मौत हो चुकी है नोटबंदी से, इससे और लोगों को बहुत परेशानी हुई है सर। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी से कि सर नोटबंदी से फायदा क्या है? सिर्फ गरीबी लाइन में कोई अमीर भी दिखाई दिया? जो कांग्रेस ने 70 साल तक तेल की लाइन लगाई, गैस की लाइन लगाई, और हिंदुस्तान मतलब इन्होंने खराब किया, हम भी खराब करेंगे, ये नहीं चलेगा। अपराध की बात ऐसी है, अपराध बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 100 नंबर गाड़ियां रात दिन घूमती हैं। दूसरी चीज ये कि पीतल योग के लिए अखिलेश जी ने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं, और दूसरी बात ये, फिर मैं वहीं पे आने जा रहा हूँ कि 2-2 हजार 24 हजार रुपए बैंकों से नोटबंदी के निकलना है। क्या अपराध कई मुद्दा है? महिलाओं से भी ये पूछूंगा जिन्हें लैपटॉप मिला है, क्या उनके साथ छेड़खानी बंद हो गई? बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? सर बी सेकंड ईयर में। ईव टीजिंग और छेड़खानी से परेशानी होती है, क्या अपराध रुका है? नहीं सर। आप सुरक्षित हैं, सड़कों पे चलती नहीं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं, सर, नहीं, नहीं। है, सुरक्षित हैं? नहीं सर। सवाल करना चाहती हैं समाजवादी से? बोलो। सवाल करो बच्चे। समाजवादी पार्टी ने 20,000 रुपए भी दिए, वो अलग है, क्या छेड़खानी रुक पाई? नहीं रुक पाई। छेड़खानी रुक पाई क्या? नहीं सर। छेड़खानी एक मुद्दा है इस चुनाव में? मुद्दा सर बता दीजिए, छेड़खानी एक मुद्दा है? जो बच्चियां अखिलेश की तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं सर मैं आपको दूंगा, है ना, वो बच्चियां कह रही हैं कि अखिलेश ने लैपटॉप दिया, बहुत अच्छे काम किया, लेकिन वही बच्ची ये कह रही हैं कि अपराध की वजह से वो परेशान है। अपराध यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है, अगर कोई छेड़खानी करता है 100 नंबर की गाड़ी पे फौरन फोन मिलाई। अपराध रुका है? बिल्कुल नहीं रुका, पुलिस खुद लूट रही है, इनके पुलिस खुद लूट रही है। और अभी 2 दिन पहले आपके चैनलों पर एक सभासद के पैरों में पुलिस पड़ी हुई थी, उन्हें जेल भेजा। मैं तो यही चाहती हूँ जो 70 साल में मोदी जी ने किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया, मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी बार जो सरकार है वो अलग बात है। लाइए सवाल। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के मंत्री ने बुलंदशहर कांड पे ये कहा था कि ये षड्यंत्र है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, इसके बारे में वो क्या कहेंगे? समाजवादी से सवाल। मैं मुलायम सिंह से पूछना चाहता हूँ, वो हमेशा ये बात कहते हैं कि भाई हमने ये सब किया, अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं, हमारा शहर का विधायक अनपढ़ है, हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा विधायक चाहिए जो स्टूडेंट की भी सुन सके। हमें मुरादाबाद का विधायक पढ़ा लिखा चाहिए जो मोदी जी ने नोटबंदी का वो किया है, उससे काली भ्रष्टाचारी और सारा ये कुछ खत्म हो जाएगा। सवाल खत्म, हम सवाल ये करना चाहते हैं, सारी काला बाजारी बंद हो गई और काला ब्लैक मनी निकल गया। मुरादाबाद में मुलायम सिंह आते हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरादाबाद में आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और वो ये कहते हैं कि अक्सर लड़कों से जवानी में गलती हो जाया करती है। बहुत बड़ा सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये सवाल, यहाँ पे बच्चियां भी खड़ी हैं, प्रोफेसर भी खड़े हैं, एक युवा ने एक सवाल उठाया है कि एक राष्ट्रीय मुलायम सिंह की तरफ इशारा है कि युवाओं से गलती हो जाती है, ये रेप पर बयान था, ये कितना इम्पोर्टेंट बयान है आप लोगों की नजर में? एक रेप हो जाता है और मुलायम सिंह कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं, क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे वो, जो वो महिलाओं? जवाब दे दीजिए, क्या ये जवाब पीछा छोड़ेगा आपका? क्या रिटायर कर दिया बेटे ने बाप को? क्या नहीं, बेटे ने बाप को रिटायर नहीं किया है,
आज भी माननीय मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, हमारे सरपरस्त हैं। इस सवाल का जवाब जो वहाँ से उठ के आया है, क्या बच्चियों से भी पूछूंगा, मुलायम सिंह ने ही कहा था रेप हो जाते हैं, कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा है, मुरादाबाद में खड़े होके कहा कि युवा है, गलती हो जाती है, क्या फांसी पे चढ़ाओगे? नहीं, गलती नहीं, बयान से सहमत हैं? नहीं, बयान से नहीं, आप बयान से सहमत ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ के करा था, उन्होंने ये कहा, ये नहीं ये कहा था, ये बच्चों ये बयान मीडिया ने तोड़ मरोड़ के चलाया था क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी के बयान से सहमत हैं? सर हम ये कह रहे हैं हम ये अखिलेश भाई पे आरोप लगा रहे हैं सर, तो 2.5 साल तो मोदी जी को भी हो चुके हैं सर। सर 2.5 साल में मोदी जी ने क्या अपराध कम किया है? मोदी जी की तो बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल जो मुलायम सिंह ने कहा, मुलायम सिंह जी ने नहीं कहा था, ये आजम खान जी ने कहा था। कह रहे हैं आपसे आ रहा हूँ, बीजेपी वाले गुंडागर्दी की बात करते हैं, हमारे विधायक को अनपढ़ बताते हैं, हमारे अनपढ़ विधायक ने भी इतना विकास करके कि 4 पुलों को आपके सामने है। एक मिनट, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये गुंडागर्दी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष पर कितने मुकदमे हैं ये बताएं? ऑन रिकॉर्ड मुकदमे 10 उनपे हैं, और सबसे ज्यादा, चलिए गोपाल जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं आपके पास, ये गोपाल जी से सवाल है उनका कि आपके प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमों की बात कर रहे हैं, वो आप मुलायम सिंह को घेर रहे हैं, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष, मेरे प्रदेश अध्यक्ष पर कोई भी मुकदमा, सार्वजनिक मुकदमा है, राजनीतिक मुकदमा है। मेरा सवाल बीजेपी से है, जो लोग हमारे हिंदुस्तान के लाइन में मारे गए हैं बैंक से पैसे लेते हुए, क्या उनका जवाब नरेंद्र मोदी जी देंगे या माननीय हमारे नेता जी देंगे? और जो लोग भूख से तड़प रहे हैं, जिनके खाते में 20-25 हज़ार रुपए पड़ते हैं, 2-2 हज़ार रुपए निकालने के बाद उन्होंने अपनी रकम खत्म कर ली, उनका जवाब? मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और बैंकों में और डाकखानों में बिल्कुल पैसा नहीं था, मुझे 2-2 हज़ार रुपए के लिए 3-3, 4-4 घंटे लाइन लगानी पड़ी। सवाल आप कर रहे हैं सर, मैं आ रहा हूँ इसके बाद, आप पे आ रहा हूँ मैं बिल्कुल आऊंगा। सर आपसे सवाल है कि जिनके यहाँ शादियाँ थी वो शादियाँ कर्जे में निमटी, जिनकी बीवियाँ प्रेग्नेंट थी उनको पैसा नहीं मिला, आप देंगे जवाब या मोदी से ले? नहीं, मैं दूंगा उसका जवाब, मैं मोदी का प्रतिनिधि हूँ, मैं मोदी का प्रतिनिधि हूँ। भारत के अंदर जिनकी भी मौत हुई है नोटबंदी में, संवेदना है, जिनकी शादियां रुकी उनके प्रति संवेदना है, आज थोड़े से कष्ट के लिए हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए उठा हुआ कदम है। ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि जब लोगों के यहाँ 2 लाख की शादी के लिए नहीं होता, इनके यहाँ 5 करोड़ की शादी होती है, और ये वो लोग हैं जो मुद्दे को भटकाते हैं, जो कभी आतंकवाद की बीजेपी से ही नोट पकड़े गए हैं, ये जो विधायकों पे इल्जाम लगा रहा है, एमपी साहब जो है यहाँ के सर्वेश साहब, उन्होंने 2 साल आम के झांका नहीं, कोई विकास नहीं किया। मैं आजम जी से ये पूछना चाहता हूँ, आजम भाई आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव जी जो मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, जो अखिलेश यादव जी अपने पिता के नहीं हो सके थे, वो आम जनता के कैसे हो सकते हैं? कह रहा है वो पिताजी के नहीं है, पिताजी के संपर्क में सरपरस्त है। मोदी जी ने जो तक भी कराया, अभी तक ये लोग कह रहे हैं इतना कुछ करा है, यहाँ की आम जनता को भिखारी बना दिया, लाइन में लगाने के लिए कितने लोग मर गए, तो मैं ये चाहता हूँ अभी तक क्या विकास हुआ, कारोबार सारा खत्म हो गया। सर मैं बीजेपी वालों से एक सवाल करना चाहता हूँ, 1947 से अब तक जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, किसी भी प्रधानमंत्री ने ये काम नहीं करा जो मोदी जी ने हमारे करा है, जो गरीबों ने हमारे 40,000 रुपए, ये जो गरीब जनता ने यहाँ जो मुरादाबाद की जनता जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, मजदूरी कर करके पीतल का काम कर करके उन्होंने 2-4 हज़ार रुपए 10-20 हज़ार रुपए अगर इकट्ठे किए तो वो मोदी जी ने बैंक में डलवा दिए, आज वो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हम नहीं निकल पा रहा है, आज बहुत परेशान। मैं साहब एक मजदूर आदमी हूँ, इस नोटबंदी के चक्कर में मेरा 2 महीने पूरा काम बंद रहा, इस 2 महीने काम बंद का, बल्कि 139,000 करोड़ जो आवाम है उसका सबका ये हाल है, उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ आप ही बताइए, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, ये फैसला क्यों करा इन्होंने? ये मैं सारे सवाल करूँगा, देखिए बरसों से बीजेपी समाजवादी पार्टी की सरकार, क्या लैपटॉप बांटने से विकास संभव है? क्या रिक्शा बांटने से विकास संभव है? बताइए आप, एक बताइए, अभी यही हम जनता ने कहा है, अनमेरिड लड़की को समाजवादी पेंशन दे दी, उसी को लैपटॉप दे दिया, उसी को फोन दे दिया, आप जनता और कोई पब्लिक नहीं है। मैं ये जानना चाहूंगा, मुरादाबाद क्षेत्र में 6 के 6 विधायक समाजवादी के थे, फिर भी मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी को मुरादाबाद आज तक तरस रहा है, क्या मुरादाबाद में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी? सवाल है, क्या एक अदद यूनिवर्सिटी इस शहर को चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए क्या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? सर होनी चाहिए क्या? एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? होनी चाहिए, रुक जाओ, नेतागिरी नहीं, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
मैं चारों से पूछता हूँ ये सवाल जो एक बच्चे ने किया है, एक स्टूडेंट ने, कि एक मैडम मैं आ रहा हूँ, ये अहम सवाल है क्योंकि विकास के सवाल नोटबंदी में लैपटॉप में कहीं छूट जाते हैं। सर क्यों नहीं है एक यूनिवर्सिटी, ये बता। ऐसा है मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनेगी, आचार संहिता लागू है। सर वो तो अभी लगी आचार संहिता, हमारी आएगी और हम वादा करते हैं कि मुरादाबाद में। सर सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, क्यों इंतजार कर रहे हैं समाजवादी का, बीजेपी क्यों नहीं दे देती आचार संहिता का पालन करते हुए? कोई कठिनाई होगी दो साल के अंदर सर यूनिवर्सिटी आनी चाहिए क्या? बिल्कुल आनी चाहिए, यूनिवर्सिटी दूर की बात है। इस कॉलेज के अंदर जहाँ आप खड़े हैं केवल 6 लोग यहाँ परमानेंट हैं, 12 लोगों की वैकेंसी गई हुई है, आज तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया। कौन जिम्मेदार है? ये अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। पिछले चार साल से वैकेंसी गई हुई है, एक दिन भी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं हुआ, एक दिन भी कॉल नहीं हुआ। सर क्यों नहीं? ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप बता रहे हैं ये गलत इल्जाम है, सरासर गलत इल्जाम है, ये नाकामी है। बिल्कुल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक स्टेट की यूनिवर्सिटी हर जगह, मुरादाबाद मंडल में केवल एक स्टेट की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक डिग्री कॉलेज बनाना सरकारी, वो भी भोजपुर में बना दिया विधायक जी ने। तो विधायक जी ने 2012 में वायदा किया था कि शहर को यूनिवर्सिटी देंगे। यूनिवर्सिटी छोड़िए, यूनिवर्सिटी का एक कार्यालय यहाँ पर नहीं है। 5 लाख स्टूडेंट पढ़ता है कम से कम, और बेचारा 200 किलोमीटर की यात्रा करके जाता है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी केवल और केवल मुरादाबाद मंडल ऐसा है प्रदेश में जिसमें कोई स्टेट की यूनिवर्सिटी नहीं है। बहुत जरूरी है, बहुत कमी है टीचर्स की यहाँ पर। यहाँ तक कि मुझे खुद मानदेव भी यहाँ आना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सभी जगह हो। और जो एक मुद्दा और है, एक मिनट, एक मुद्दा बहुत अहम है कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में पीएचडी काम बिल्कुल बंद का मैं बिल्कुल हमें केवल विश्वविद्यालय से हम संतोष नहीं करेंगे, हमें कोई टेक्निकल कॉलेज भी और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज भी। हमारे शिक्षा से लेके क्या चाहते हैं आप लोग, बताइए बच्चे, जल्दी बताइए। सर मैं यही चाहूंगी कि एक और यूनिवर्सिटी बने, हम बड़े कोई यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बने जिससे सब लोगों को शिक्षित हो, यहाँ पे जो अनपढ़ हैं जिनको दूर दूर जाना पड़ता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि सर यहाँ यूनिवर्सिटी का कार्यालय खोलना चाहिए ताकि जो बच्चे परेशान होते हैं उनको बरेली न जाना पड़े। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया में बम्पर रिजल्ट जाता है 80-90% का? ये गधे पैदा करने की यूनिवर्सिटी और बोर्ड बना रखे हैं, 80-90% दे के तुम सबको समान कर दोगे तो काबिल भी उसी लाइन में दौड़ेंगे और नाकाबिल भी। सवाल तो पूछो। सवाल अखिलेश यादव जी से मेरा ये है कि 80-90% जिन्हें लैपटॉप दिया उनसे मीडिया पूछे लैपटॉप पे क्या होना है तो वो कहते वीडियो देखेंगे, हम तो सिर्फ लैपटॉप का काम ही नहीं पता। शिक्षा के क्षेत्र में अखिलेश यादव जी ने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पिछले सालों में कभी क्या जीरो जनधन बैलेंस अकाउंट खुले, क्या कभी गैस सिलेंडर फ्री में बटे, क्या अच्छा एक कभी लॉन्च हुई है? मोदी जी ने जितनी कालाबाजारी कांग्रेस सरकार की चल रही थी। सर विधायक साहब के नवाब जाते यहाँ पर लड़ाइयाँ करते घूमते हैं, पुलिस वाले पैसे ऐंठते घूमते हैं युवाओं से। विधायक साहब के लड़के बड़े बड़े समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टियों के लड़के पैसे लेते घूमते मारते घूमते एक दूसरे बच्चों को। अखिलेश यादव जी ने जितना विकास करा आज तक किसी मुख्यमंत्री ने विकास नहीं किया। सर मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं से, समाजवादी पार्टी से है कि 2012 में 350 वोट शहर के विधायक को वहां से डले, लेकिन वहां 500 मीटर लंबा तार डल के ट्रांसफार्मर तक कनेक्शन जाता है जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और वहां इतने लोग परेशान होते हैं, बेइंतहा खंभे। सर मेरा सवाल बीजेपी वालों से है, ये बात कर रहे थे कि ब्लैक मनी विदेश में है लेकिन हिंदुस्तानियों पर इन्होंने काज गिरा दी, हिंदुस्तानी भी काज गिराई और ब्लैक मनी। ये लोग कहते हैं कि काला धन तो सारे स्विट्जरलैंड में, इनसे ये तो बता दे अब तक मोदी जी एक जवाब नहीं दे रहा, आरबीआई एक जवाब नहीं दे रही कि हिंदुस्तान की करेंसी कितनी वापस आई। अभी भी सुनने में आएगा 56,000 करोड़ करेंसी रह चुकी है, तो पहले हिंदुस्तान की पढ़ लिया है, काला धन तो बाद में लाएंगे, गरीबों का लाइन में खड़ा। हमारे यहाँ पर नगर निगम की पोल बाहर आप सड़कों पर जाकर देख ले अभी खुल जाएगी। हमारे यहाँ के कहते हैं क्षेत्र के विधायक अनपढ़ है, उस अनपढ़ विधायक से मुकाबला पढ़े लिखे मिल सक रहा हूँ। सर हमें 20,000 रुपए क्यों नहीं मिले, क्यों हमें साइकिल भी नहीं मिली, लैपटॉप भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? आप मेरिट में नहीं आई हूँ, मेरिट की बात नहीं है, क्यों विशेष वर्ग को मिलेगा? सिर्फ ओमदंस के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है ये, हमारी सरकार। एक निदा पाजली साहब का शेर था कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। क्या बच्चों में भी भेद है सर? ये समाजवादी के वोटर्स हैं तो इन्हें लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगी, ये बच्चियां कह रही हैं इन्हें क्यों नहीं मिली? ये बच्चा आप जरा पीछे हटिए, ये बच्चियां कह रही हैं इनका मेरिट में नाम है, उन्हें लैपटॉप भी मिले, साइकिल भी मिले। आप मुझे बोलने दीजिए गोपाल जी, मेरा मकसद यह है
के लैपटॉप भी मिले, साइकिल भी मिली, सब काम ऑनलाइन हुए, मेरिट से हुए, जिनके मेरिट में नाम हुए। या तो साइकिलें और लैपटॉप पूर्वांचल में यादवों को मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग। लैपटॉप और साइकिल समाजवादी पार्टी के सिर्फ पदाधिकारी के परिवार वालों को मिली और किसी को कुछ नहीं मिला। के मोदी जी की नगरी में दुखड़ों की विदाई होती है, ये ऐसी अदालत है प्यारे जहां सबकी सुनवाई होती है। लैपटॉप देंगे, कन्या विद्यादान देंगे, यहां के युवाओं को टैलेंटेड नहीं बनाएंगे ताकि वो रोजगार पाके खुद ये चीजें खरीद सके। आपके पास है कोई एजेंडा? मेरे पास एजेंडा है, मुरादाबाद के लिए बोलिए। पहले शांति से सुन लो, मेरे पास एजेंडा है मुरादाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी मेरी सरकार बनते ही, नहीं तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी हमारी सरकार समाजवादी की बनते ही, ये वादा है। हम अगर कहीं हमें जनता ने ताकत बख्शी तो हम जनता के हर काम पे खड़े उतरेंगे, जैसे हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया। माफियाओं का राज खत्म होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जमीनों पे जो अवैध कब्जे समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कर रखे हैं वो खत्म होंगे और विकास होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। इस बार बहुत बिकट करके बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश। देखिए ये आली जनाब आए हैं, 5 सालों का देने हिसाब आए हैं, लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है, चाहे ये हक पक्ष हो चाहे ये पक्ष हो, दोनों के अपने अपने पसंदीदा नेता हैं, लेकिन सवाल वही है कि इन राष्ट्रीय मुद्दों में कहीं मुरादाबाद बिखर के रह जाएगा क्या? ये आवाम एक हो जाएगा और विकास की बात होगी, फिरका परस्ती से जुदा होगा ये शहर और तरक्की के रास्ते पर अमन पसंद लोगों के साथ, यूं ही तरक्की पसंद लोगों के साथ आगे बढ़ता जाएगा। वोटर पंच में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल और अपने साथी दानिश के साथ अभिषेक शर्मा, मुरादाबाद न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।